को तहरीक इंसाफ का वफाकी हुकूमत के खिलाफ वाइट पेपर जारी करने का मामला। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का माशी टीम के तैयार वाइट पेपर के अहम निकात बोल न्यूज ने हासिल कर लिए हैं। वाइट पेपर में तमाम अंदरूनी और बैरूनी माशी पॉलिसियों को सामने लाया गया है। पाकिस्तान में महंगाई में पिछले 8 माह में कितना इजाफा हुआ, वाइट पेपर में गुज़िश्ता सालों के तनासुब से आदाद व शुमार शाया किए गए। वाइट पेपर में मजीद क्या है जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे से भी। तहरीक इंसाफ का वफाकी हुकूमत के खिलाफ वाइट पेपर जारी करने का मामला है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का माशी टीम के तैयार करदा वाइट पेपर के अहम निकात बोल न्यूज ने हासिल कर लिए हैं। वाइट पेपर में तमाम अंदरूनी और बैरूनी माशी पॉलिसियों को सामने लाया गया। इसी हवाले से बात कर लेते हैं नुमाइंदे खुसूसी अखलाक बाजवा से। अखलाक बाजवा, बताइए मजीद क्या कुछ है इस वाइट पेपर में। जी बिल्कुल, व्हाइट पेपर में तमाम अंदरूनी और बैरूनी माशी पॉलिसियों को सामने लाया गया है। जबकि पाकिस्तान में महंगाई में पिछले 8 माह में कितना इजाफा हुआ, व्हाइट पेपर में गुज़श्ता सालों के तनासुब से अदाद व शुमार जो है वो शाया किए गए हैं। ज़राए के मुताबिक व्हाइट पेपर के मुताबिक अहम जरूरियाती अशिया में 45% इजाफा हुआ है, जबकि आम आदमी की मुश्किलात में पहले से 200% इजाफा हुआ है। जबकि डॉलर की कीमत में इजाफे और शादी से इंपोर्ट में कमी आई है, जबकि नाकाम माशी पॉलिसियों से पाकिस्तान की इंडस्ट्री को सख्त धचका लगा है। व्हाइट पेपर में बताया गया है कि पिछले 8 माह में लाखों हुनरमंद अफराद जो हैं वो बेरोजगार हुए हैं, जबकि हुकूमत के गैर दानिशमंदाना इकदाम के बाइस मुल्की ज़राअत को भी सख्त धचका लगा है। मौजूदा दौर हुकूमत में किसानों को सख्त माशी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है, जबकि हुकूमत की नाकाम माशी पॉलिसियों से आम आदमी की जिंदगी जो है वो जीर्ण हुई है। व्हाइट पेपर की जो मजीद तफसीलात है वो पीटीए के चेयरमैन इमरान खान जो है वो अपने खिताब में बयान करेंगे। बहुत शुक्रिया अखलाक बाजवा इन तफसीलात के लिए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान।